मसीह की मेरा नाम है पास्टर राजेश केदारी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। भाई बहनों, आज का संदेश बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, इसलिए संदेश को आप अंत तक देखना। यीशु मसीह आपको आशीष करेंगे। आइए हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य 22:18-19 हम पढ़ेंगे। मैं हरेक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनाता है गवाही देता हूं, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातें में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। भाई बहनों, ये जो वचन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण वचन है। हम बाइबल के वचन को जो है उस वचन में बदलाव नहीं कर सकते हैं। हम जैसे चाहे हम उस वचन को तोड़ मोड़ नहीं कर सकते हैं, बदलाव नहीं कर सकते हैं, उसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग कर रहे, मगर यहाँ पे लिखा है कि आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन वचन के सामने आ जाते हैं, वचन को आप सुनते हैं, तो आपको दो चीज़ें आप कर सकते हैं। एक चीज़ जो है कि आप पश्चाताप कर सकते हैं, और दूसरे जो है वो जैसा आपका जीवन जीवन चल रहा है वैसा आप जीवन आगे जी सकते हैं और उसके परिणाम को आप भोग सकते हैं। मगर अपने खुद के अनुसार आप उस वचन में कुछ चीज़ें ज़्यादा डाल नहीं सकते और वचन से कुछ चीज़ें जो है आप उसको निकाल नहीं सकते हैं। यही कहा है। अब बाइबल में ये आज हो रहा है। आपको मालूम है क्वीन जेम्स बाइबल के बारे में आपको मालूम होगा। जैसा किंग जेम्स बाइबल है तो वैसे ही ये क्वीन जेम्स बाइबल है। अभी ये जो क्वीन जेम्स बाइबल जो है ये आया था दिसंबर में 2012 में। ये जो बाइबल है ये बाइबल को कहा जाता है गे बाइबल, यानी ये जो है जो समलिंगिक है उनके लिए ये बाइबल है, यानी जो LGBTIQ+ कम्युनिटी है उनके लिए है। और जैसे आपको मालूम है L का मतलब है लेस्बियन, G का मतलब है गे, बाई का मतलब है बायसेक्सुअल, T का मतलब है ट्रांसजेंडर, I का मतलब है इंटरसेक्स, Q का मतलब है क्वेश्चनिंग, A का मतलब है एसेक्सुअल। तो उनके लिए जो है ये बाइबल थी। अभी ये नाम क्यों रखा क्वीन जेम्स बाइबल, क्योंकि उनको क्या लगता है कि जो किंग जेम्स था वो समलैंगिक था, और इसलिए जो है इसलिए उन्होंने जो नाम जो है ये रख दिया क्वीन जेम्स बाइबल। अभी ये जो बाइबल जो है इसमें क्या खासियत है? देखो ये सब कुछ जो है वो किंग जेम्स बाइबल जैसा ही है। अभी किंग जेम्स बाइबल तो सब पढ़ते हैं उसको, बड़े बड़े जो प्रचारक हुए थे और बहुत सारे मसीह लोग किंग जेम्स बाइबल को पढ़ते हैं। और ये सचमुच बहुत अच्छी ट्रांसलेशन है ग्रीक और इब्री भाषा से। जैसे कि आपको मालूम है कि जो ओल्ड टेस्टामेंट है, जो जूना नियम जो है वो हिब्रूज में लिखा गया था, और जो न्यू टेस्टामेंट जो है वो ग्रीक लैटिन में लिखा गया था, और उसके बाद अलग अलग भाषाओं में जो है उसको जो है अनुवाद किया गया था, जिसको कहा जाता है ट्रांसलिटरेशन। तो सब कुछ जो है वो किंग जेम्स बाइबल की कॉपी है, मगर जो वचन समलिंगिकता के बारे में बताते हैं, जो वचन बताते हैं कि समलिंगिकता एक पाप है और परमेश्वर को वो पसंद नहीं है, तो वो वचन को उन्होंने निकाला नहीं है, मगर उस वचन को अपनी आवश्यकता अनुसार अपना जो एजेंडा है उसके अनुसार उस वचन को उन्होंने बदल दिया उस बाइबल में। बाइबल अगर कोई किताब आ जाता है उसमें ऑथर नेम लिखना पड़ता है और कॉन्ट्रीब्यूटर का नाम लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, किसी का नाम नहीं लिखा है,
यहां पे उन्होंने ऑथर लिखा है परमेश्वर, और जो कॉन्ट्रीब्यूटर है उसका नाम लिखा है यीशु मसीह। भाई बहनों देखो कितना कितना महान पाप है, यानी आपने बाइबल को बदला है, मगर बदला है वहां पे लिखा है कि इस बाइबल के जो ऑथर है जिसने लिखा है वो है गॉड, और जीसस क्राइस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है, यानी कितना महान पाप उन्होंने किया है। और उनका ये कहना था कि 1946 तक समलैंगिक शब्द इंग्लिश बाइबल में नहीं था, उनका ये कहना है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहला इंग्लिश बाइबल आया था 1535 में, और 1892 तक इंग्लिश बाइबल में समलैंगिक शब्द नहीं था। मगर ये कहते कि 1946 तक नहीं था, 1940 तक नहीं, 1892 तक नहीं था। मगर वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बात यह है कि बाइबल जो है, बाइबल की मुख्य भाषा है हिब्रू, इब्री और ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश नहीं है। और जो ओरिजिनल भाषा है हिब्रूज और जो ग्रीक लैटिन में, उसमें तो जो है सीधे अक्षरों में लिखा है कि समलिंगिकता पाप है। मगर लोगों को जो है, वो लोगों को वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहे कि इंग्लिश बाइबल में जो है वो लिखा नहीं था 1940 तक, समलैंगिक का है बाद में ऐड किया गया, ऐसा नहीं है। आइए हम कुछ वचन पढ़ते हैं। हम जाएंगे लय व्यवस्था 8:22, तुम्हें किसी पुरुष के साथ वैसा ही यौन संबंध नहीं करना चाहिए जैसा किसी स्त्री के साथ किया जाता है, यह भयंकर पाप है। अभी यहां पर क्या लिखा है, तुम्हें किसी पुरुष के साथ वैसा ही यौन संबंध नहीं रखना चाहिए जैसा किसी स्त्री के साथ किया जाता है, यानी ये समलिंगिकता के बारे में बता रहा है। और यहां पे लिखा है कि यह भयंकर पाप है। कुछ कुछ लोग को कहते हैं कहां पे लिखा है बाइबल में समलिंगिकता पाप है, किधर लिखा है बाइबल में, नहीं लिखा है, तो ये क्या है। और एक क्वेश्चन पढ़ते, पहला कुरिन्थियों 6:9, क्या तुम्हें यह मालूम नहीं कि दुराचारी परमेश्वर के राज्य के अधिकारी न होंगे, इस भ्रम में न रहना, वेश्यागामी, मूर्ति पूजक, व्यभिचारी, परस्त्रीगामी, समलैंगिक, चोर, लोभी, शराबी, बकवादी और ठग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। क्या लिखा है यहाँ पे भी समलैंगिक आ गया है। और एक क्वेश्चन पढ़ते, हम जाएंगे रोमियो 1:26, यह देखकर परमेश्वर ने उन्हें निर्लज्ज कामनाओं को सौंप दिया, फलस्वरूप उनकी स्त्रियों ने प्राकृतिक यौनाचार के स्थान पर अप्राकृतिक यौनाचार अपना लिया, इसी प्रकार स्त्रियों के साथ प्राकृतिक यौनाचार को छोड़कर पुरुष अन्य पुरुष के लिए कामाग्नि में जलने लगे, पुरुष पुरुष के साथ ही निर्लज्ज व्यवहार करने लगे, जिसके फलस्वरूप उन्हें अपने ही शरीर में अपनी अपंगता का दुष्परिणाम प्राप्त हुआ। बाइबल अभी यहां पे क्या लिखा है बाइबल में, ये सब जो वचन पढ़े उसमें लिखा है कि समलैंगिक एक भयंकर पाप है। और इसमें यह भी लिखा है कि बहुत सारे लोगों को जो है वो अपंगता आ गई ये पाप के कारण। भाई बहनों ये पाप है, और ये बाइबल में जो है वो लिखा है, उसको हम बदल नहीं सकते। दो चीज हम कर सकते, एक तो पश्चाताप करके हम परमेश्वर के पीछे जा सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं, या तो जैसा चल रहा है वैसा जीवन बिता सकते हैं, और फिर ये इस धरती का जीवन तो बर्बाद होगा, और साथ में यहां से जाने के बाद नरक की आग में जाना पड़ेगा। परमेश्वर ने जो है चुनाव हमको दिया है, परमेश्वर किसी को फोर्स नहीं करता है। आदम और हवा को भी उन्होंने फोर्स नहीं किया था, उन्होंने कहा था कि ये जो है झाड़, इसका फल मत खाना, उनको जो है चॉइस दिया था, ये सब झाड़ का फल खा सकते मगर ये मत करना आप, मगर उन्होंने किया और पाप इस धरती पे आ गया। तो भाई बहनों बहुत आवश्यक है कि क्या हम पढ़ते हैं वो कहां से आ रहा है, ये जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर बहुत सारे लोग अगर ये क्वीन जेम्स बाइबल पढ़ रहे होंगे तो सब कुछ गलत आया होगा, गलत धारणाएं उनके मन में बन गई होगी। आइए हम प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते ये समय के लिए, ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमेन।